भैया नहीं जी सर, ये कर लो, ये 4:30 ठीक है, और दरबारी बना दो, दिखा दो मुझे 4:30 ना। आइए, बड़ा सुंदर भजन है, सभी ने सुना भी होगा गाना, उसी पर भजन है। कैकेयी के दो वरदान बाकी रह जाते हैं महाराज दशरथ पे, ठीक है जी। बुजुर्ग भी बैठे, कुछ बुजुर्गों के लिए हो जाए, बड़ी बूढ़ी अम्मा बैठी है, इनके लिए एक छंद, और छंद कर दिया मैंने बंद, ठीक है, और सभी के लिए एक समझने वाला भजन, फौजी भाई के लिए कैसे। जय हो। दो वरदान रह जाते हैं। हेलो, आ सब बैठ जाओ भैया, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। कैकेयी ने उन वरदानों को मांग लिया महाराज दशरथ से। पहले वरदान में मांगा भरत को अयोध्या का राज, और दूसरे वरदान में मांगा भगवान श्री राम को 14 वर्षों का। जैसे ही यह सुना महाराज दशरथ ने, मूर्छित अवस्था होगी, रोने लगे और हाथ जोड़ के कहने लगे कि कहीं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, अपने ये वरदान वापस ले लो, अपने वचनों को वापस ले लो, आप भले ही मेरी जान ले लो लेकिन ये वरदान वापस कर दो। लेकिन कैकेयी ने वापस नहीं किए। महाराज दशरथ रोते हैं और कहने लगे तू पछताएगी, सुन तुझे कितना पछताना पड़ेगा। आइए दिखाइए भैया, एक गाना आया बड़े भैया, हो तेरी याद मिटाने को, जय हो, तेरी यादें मिटाने को पीता हूं गम भुलाने, जबकि कोई गम नहीं भूलता उससे, कुछ नहीं भूलेगा। बहुत से कहें यार मूड बनाया मैं, चलो बात बनेगा क्या बिगड़ेगा, कह दो सच्चे दरबार की जय हो। महाराज दशरथ रोने लगे, दादाजी बाबा आपके लायक भजन है, सब सुनियो। दशरथ जी रोने लगे और कैकेयी से कहते हैं, कैकेयी तूने लूट लिया इस दिल के खजाने को, और यदि मेरी बात नहीं मानी तो तू तड़पेगी कैसे, तू तड़प जाएगी रानी, तू तड़प जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। क्यों, यदि राम बन गए तो मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं बचूंगा नहीं, और जब मैं मर गया तो पत्नी का सुहाग किसके पीछे होता है, पति के पीछे। आइए सभी को अच्छा लगेगा, धीरे धीरे ताली बजाते रहेंगे कैसे, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, ओ के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, तू तड़प जाएगी रानी, ओ तू तड़प जाएगी रानी, तू तड़प जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को, तू तड़प जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को।
ये 100 रुपए की अरदास इस भजन पे मेरे छोटे भाई हैं जिनका ये कैमरा डीके लाइव पॉइंट के नाम से चल रहा है और इसने हमें नहीं इस पॉइंट ने यानी भैया ने बड़े बड़े कलाकारों को बहुत आगे पहुंचा दिया है। YouTube पे आप डीके लाइव पॉइंट डालोगे तो कल आपके गांव का भी प्रोग्राम आप सब भी आओगे वहां में बैठे भाई। तो इनकी तरफ से मैं भगवती से यही कामना करता हूँ, भगवती की कृपा इनके ऊपर हमेशा बनी रहे। एक बार तालियों से इनका सम्मान करेंगे। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। कहने लगे वो भाल तरसेगा बिंदिया को। भाल किसे कहते हैं? भाल, भाल माने, भाल माने मस्तक होता है हमारा माथा। वो भाल तरसेगा बिंदिया को, बाल तरसेंगे गजरे को। बाल तरसेगा बिंदिया को, बाल तरसेंगे गजरे को। और ये हाथ तरसेंगे कंगन को, यानी जो हरी हरी चूड़ियां पहनती है माँ वो नहीं पहन पाएंगी। वो हाथ तरसेंगे कंगन को, आंख तरसेंगी कजरे को। हाथ तरसेंगे कंगन को, कजरे को। हाथ तरसेंगे कंगन को, आंख तरसेंगी कचरे को। वो हाथ तरसेंगे कंगन को, आंख तरसेंगी कचरे को। और तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाए नहीं जा रहा है, लक्ष्मण भी जा रहा है और सीता जी भी जा रही है। तो तू तरस जाएगी रानी, इनसे मिलने मिला तू तरस जाएगी रानी, इनसे मिलने मिलाने को। मांग अपनी सजाने को। जय हो, जोरदार तालियां एक बार। आइए, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। किसी के लिए गलत शब्द निकल गया हो तो मुझे अपना बच्चा बेटा समझ के क्षमा करेंगे। एक बार फिर सभी के चरणों में सर रखते हुए मेरी तरफ